करें यहाँ पे हमें बहुत सारे इश्यूज़ का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। पहली प्रॉब्लम, एक तो यहाँ पे कॉलेज को ऑफ रोड रखा गया है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम। दूसरी चीज़, कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। एंड तीसरी चीज़, यहाँ पे स्टाफ अवेलेबल नहीं है, जो यहाँ की मेजर प्रॉब्लम है। अगर हम स्टाफ के हवाले से बात करेंगे, कॉलेज में नीडेड स्टाफ है 32 टीचर्स एंड सिर्फ 10 को अपॉइंट किया गया है। क्या आपको भी, अगर हम आपसे ही क्वेश्चन करेंगे, इवन डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से क्वेश्चन करेंगे, हम उनको बोलेंगे कि क्या आपको खुद लगता है हम बच्चों का फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर रहेगा इस चीज़ से? यहाँ पर टीचर्स को भी इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है क्लासेस के हवाले से। एक एक टीचर को 7-8 क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है। ना ही उनके साथ फेयर है, ना हम स्टूडेंट्स के साथ फेयर है। अब क्या चाहते हैं जी? हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि वो हमें यहाँ पे टीचर्स मतलब अच्छे से प्रोवाइड करें हर एक सब्जेक्ट के। इनफैक्ट आपको पता है ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ, किन बच्चों को फेस करनी पड़ती है? जो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं, आपको पता है हम लोगों की वजह से सोसाइटीज़ बनती है, एक सोशल रिलेशनशिप्स मेंटेन होते हैं। लेकिन जब हम लोग कोई अनपढ़ रखा जा रहा है, हम लोगों का स्टाफ अवेलेबल नहीं है कॉलेज में, ये कैसे हमारी सोसाइटी कल को कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है IAS IPS UPSC ऑफिसर्स, जब हम लोगों को एजुकेशन फैसिलिटीज़ ही नहीं प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लग रहा है उस तरीके? नहीं, ये तो बस एक आर्ग्यूमेंट सा बन गए, एक काइंड ऑफ डिबेट बन गए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लाडली बेटी स्कीम्स एटसेट्रा। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उनको बस वो नया कश्मीर जो मैनिफेस्टो आया ना, उनमें बस उनको रोड वाइडनिंग करनी है, इलीगल एनक्रोचमेंट्स पे ध्यान देना, लेकिन एजुकेशन एंड अवेयरनेस पे उनका कोई जोर नहीं है। हैं, मैं बोटिंग को सोपोर से आती हूं और मैं सेकंड सेमेस्टर की तालिब इल्म हूँ, यहाँ GDC वुमेन्स कॉलेज में पढ़ती हूं, जो कि नूपुर कलान में वाक़ है। हमें यहां पे ये प्रॉब्लम है कि हम 15 फरवरी से आ रहे हैं कॉलेज, अभी 1.5 महीना हुआ हमें कॉलेज आते हुए, मैंने एक भी क्लास नहीं लिए हैं, जो कि मेरे पूरे और भी फ्रेंड्स हैं और भी जो बच्चियाँ हैं उन्होंने भी एक क्लास भी नहीं ली है। मेरा मेजर जियोग्राफी सब्जेक्ट है, उसकी भी हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं, और जो माइनर है मेरा टूरिज़म है उसके भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं, और जो सोशलॉजी उसके भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं। अभी कोई टीचर नहीं आए, इकोनॉमिक्स उसके भी टीचर्स कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं, कश्मीरी उसके भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं, उर्दू उसके भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं, इवन साइकोलॉजी पूरे, जो कि हम ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम जो टीचर्स हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल। हमें यहाँ पे 5-6 टीचर्स हैं जो कि परमानेंट हैं, और मैंने अभी तक एक क्लास भी नहीं ली। मैं अपनी बताऊंगी, मैंने एक भी क्लास नहीं लिए हैं अभी तक 1.5 महीना आते हुए। हम बस यहाँ पे पार्क में बैठे रहते हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं है टीचर? कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स जो हैं, अभी उनको सर जब एक साल पूरा हो जाता है तब वो कॉन्ट्रेक्चुअल वो बाहर जाते हैं, उसके बाद उनको नए से प्रोसेस करनी पड़ती है ताकि वो आए। अभी 1-1.5 महीना हुआ मुझे आते हुए, अभी तक हमारी कोई क्लास नहीं होना, अभी टीचर्स हैं, मेरिट लिस्ट आया, ऊपर से डेट शीट भी आया है, हम क्या करेंगे सर?